जाता है डेप्रिशिएशन होगा, क्लियर। सेकेंड इज इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम का मतलब है जब मशीन परचेज की गई थी, मशीन न्यू थी, तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, हायर थी। जब अर्निंग ज़्यादा होती है तो डेप्रिशिएशन भी ज़्यादा कैलकुलेट किया जाता है, क्लियर। जैसे जैसे अर्निंग घटती जाती है तो वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन भी डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। तो अर्निंग के साथ इनकम का जो चार्जेस है, ये जो डेप्रिशिएशन का चार्जेस है वो इक्वल चार्ज होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज नो वैल्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर, यानी बाद के जो ईयर्स है उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में बोला था कि उसमें क्या होता था कि लास्ट जो ईयर्स आते थे हमारे, जब वो ऐसे डेडलाइन पे होती थी तो वहाँ पे क्या होता था, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बिल्कुल डाउन होती, बट जो डेप्रिशिएशन है वो सेम रेट से चलता रहता, क्लियर। तो वहाँ पे वो अपनी अर्निंग डेप्रिशिएशन को, अपनी कॉस्ट को भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, घटती है, तो साथ में डेप्रिशिएशन भी घटता जाता है, तो उस मशीन पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है कि वो मशीन अपनी लागत को भी पूरा नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ एसेट्स इन नेवर रिटर्न ऑफ जीरो। इस मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी एसेट, चाहे आप इसको कितने भी सालों तक नीचे तक लेकर जाओ, आप डेप्रिशिएशन लगाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कभी भी ये एसेट जीरो नहीं होगी, ठीक है। चाहे पॉइंट में 0.000 समथिंग आ जाए, बट कभी भी जीरो इसकी वैल्यू नहीं होगी। वहाँ पे अनरियलिस्टिक बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता था कि कोई भी एसेट है वो जीरो हो जाती है, क्लियर। अब 10,000 की कोई मशीन है, 10 साल चलेगी, हर साल 1,000 हम लेस करते जाते हैं, 10 ईयर्स के बाद वो जीरो हो जाती है, क्लियर। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या बताता है कि कोई भी एसेट कभी भी बिल्कुल जीरो नहीं होती, क्लियर। तो ये बिल्कुल अप्रूव्ड मेथड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, मीन्स जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो भी किस मेथड को अप्रूवल देते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अप्रूव करते हैं। मीन्स इसके अकॉर्डिंग जब अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, इट मीन्स जो टैक्स अथॉरिटीज है, जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो भी मान्य होती है, क्लियर। उसके बाद डीमेरिट्स देखिए, एसेट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ, एसेट को कभी भी कम्प्लीटली रिटन ऑफ नहीं किया जाता। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एन एसेट गिवन इफ इट बिकम्स ऑब्सोलेट और यूजलेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो इफ सम बैलेंस हाउएवर स्मॉल वुड कंटिन्यू ऑन एसेट अकाउंट, यानी कभी भी वो बिल्कुल जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट, चाहे वो छोटे से छोटे अमाउंट हो, वो उस अकाउंट में जारी रहता है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, जो वहाँ पे था, ये यहाँ पे भी सेम रहेगा कि जो पैसा उस एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, अगर उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट किया जाता तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता, उस फैक्टर को छोड़ दिया जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ डेप्रिशिएशन, यहाँ पे डेप्रिशिएशन की रेट को डिटरमाइन करना टिपिकल रहता है, मुश्किल होता है, क्लियर। क्योंकि कोई ऐसे कितने टाइम तक चलेगी और उस एंड में उसकी स्टेप वैल्यू क्या रहेगी, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिशिएशन नॉट पॉसिबल। एक डिमेरिट्स ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट की यहाँ पे जो अप टू डेट नॉलेज होती है वो नहीं रह पाती है, क्लियर। कैसे, अब जैसे हम बार बार डेप्रिशिएशन लगाते जाते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट पीछे रह जाती है, ठीक है। 9-10 सालों की हमने अकाउंट्स प्रिपेयर की, तो यहाँ पे अगर हम हैं तो हमें नहीं पता लगता कि ओरिजिनल कॉस्ट इसकी क्या थी, या अप टू डेट डेप्रिशिएशन, लाइक हमने 5 ईयर्स क्लियर। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो हमें पता है 1,000 पर ईयर है तो 5 साल का 5,000 बन जा रहा है, क्लियर। बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आगे और जाके 729 हो जाएगा, उससे 600 कुछ आ जाएगा, मतलब अप टू डेट के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि टोटल डेप्रिशिएशन इस एसेट पे हमने कितना लगा, क्लियर है। तो ये डीमेरिट्स के मेथड के डिमिनिशिंग